ओम शांति। आज बाबा की 29 अक्टूबर 2020 की साकार मुरली। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। तीन चीज़ें आज बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा, फर्स्ट तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम कांटे से फूल बने हो, और फूल बनने के निशानी बाबा ने कहा कि हमेशा सबको सुख ही देना है। और एक चीज़ बाबा उसके साथ क्या कहते, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। आज की मुरली का प्रश्न, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे। बाबा पूछ रहे हैं कि अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे, अर्थात कौन से बोल ऐसे नशे में बोलेंगे जो अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं। बच्चे कहते हैं कि बाबा, हम तो पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे। बहुत नशे के साथ बच्चों ने क्या कहा कि बाबा, हम तो पास विथ ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा, आप बेफिक्र रहो, हम तो पास विथ ऑनर होकर के ही दिखाएंगे। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, बाबा कह रहे हैं, जो उस नशे के साथ जो बाबा को कह रहे हैं, अर्थात उनका पुरुषार्थ भी ऐसा होगा। तो बाबा कहते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा, उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। क्या कहा बाबा ने, माया जरा भी हमें हिला ना सके, इसलिए बाबा कहते कि पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनो, बाबा ने कहा। ओम शांति। बाबा कहते कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा ही पढ़ रहे हैं। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझना चाहिए, बाबा ने कहा। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ रहे हैं? बाबा कहते निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे हम आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। दुनिया में कौन पढ़ाते? बाबा कहते दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। तो शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं, वैल्यू देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को वैल्यू दिया ना, जब शिव बाबा इनके तन में प्रवेश किए तब इस ब्रह्मा बाबा की वैल्यू हुई ना। तो बाबा कहते मोस्ट वैल्यूएबल है शिव बाबा, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, कितना ऊंच कार्य करते हैं। तो जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। क्या कहा बाबा ने कि जितना ऊंचते ऊंचा शिव बाबा है उतना ही बाबा कहते तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है। जैसा बाप, बाप भी अपने बच्चों को किस रूप से देखना चाहेंगे, अपने उस हिसाब से, अपने लेवल तक देखना चाहेंगे। बाबा कहते कि तुम जानते हो कि सबसे ऊंच है बाप, और यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है, और ये है संगम युग, सत्ययुग और कलयुग का बीच। बाबा कहते पुरुषोत्तम बनने का ये संगम युग, एक लॉटरी बाबा ने हम बच्चों को दिया है ये संगम युग के समय को। इस संगम युग पर, जैसे कि इस लॉटरी में बाबा ने क्या दिया कि इस समय पर हम अपने आप को परिवर्तन कर लें, ये समय इसलिए हमें मिला है।
और अगर ये समय को भी हम हाथ से गंवा देते हैं तो फिर लास्ट में पश्चाताप करेंगे तो भी फिर हमें समय मिलने वाला तो नहीं है। तो बाबा ने कहा, सत्ययुग और कलयुग का बीच पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी बाबा कहते मनुष्य नहीं जानते। बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंच सो फिर नीच ते नीच बने हैं। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंच जो थे बाबा कहते सो फिर अभी नीच ते नीच बने हैं। बाबा कह रहे हैं पतित और पावन में कितना फर्क है, कितना फर्क है, पतित और पावन में कितना फर्क है, जमीन और आसमान का अंतर है, रात और दिन का अंतर है। तो बाबा कहते पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप विश्व के मालिक हो, और हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कंपैरिजन भी देखो कैसे किया जा रहा है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं बाबा कहते वो खुद वर्णन करते कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप विश्व के मालिक, और हम विषय वैतरणी नदी में गोते खाने वाले हैं। अर्थात वो अपने आप को स्वीकार भी कर रहे हैं, ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये दुनिया ही जैसे एक विषय वैतरणी की नदी है। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं लेकिन समझते थोड़ी है। बाबा ने कहा कहने मात्र तो कितना कुछ कह दिया है। बाबा कहते अब समझते थोड़ी है। तो ड्रामा विचित्र वंडरफुल है बाबा कह रहे हैं, विचित्र भी है उसके सहित बाबा ने कहा वंडरफुल भी है। तो ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। तो बाप आकर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा जिनका बाप के साथ पूरा प्यार है, जिनका बाप के साथ पूरा प्यार है उनको बहुत कशिश होती है, होगी ही। जिनका बाबा के साथ पूरा प्यार है, एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाबा कहते उनको बहुत कशिश भी होती, बाबा की ओर से कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले, मिलन होता है साकार में, निराकारी दुनिया में तो कोई कशिश की बात ही नहीं। बाबा कहते निराकारी दुनिया में तो कोई कशिश की बात ही नहीं, लेकिन वास्तव में देखा जाए वहाँ है नहीं। इस स्थूल दुनिया में रहते हुए ही जब हम योग लगाते मन और बुद्धि को बाबा के साथ जोड़ते हैं कई बार वह कशिश को फील करते हैं, जैसे बाबा से एक आकर्षण खींच रहा है, हमें अपनी ओर खींच रहा है। बाबा कहते वहाँ तो है ही सभी पवित्र। बाबा ने कहा कि बच्चे कट निकली हुई है, कहाँ पर वहाँ सभी पवित्र है, वहाँ परम धाम में निराकारी दुनिया में बाबा कहते वहाँ तो है ही सभी पवित्र, क्योंकि वहाँ पर आत्मा में कोई भी प्रकार का जंक नहीं लगा गया हुआ है। तो कशिश की बात नहीं, बाबा कहते लव की बात यहाँ होती है, लव की बात बाबा कहते यहाँ होती है। तो ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो, बाबा ने कहा। क्या कहा, बाबा कहते ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो कि बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो, इसलिए बहुत लव चाहिए। इसलिए क्या चाहिए, बाबा कहते इसके लिए बाबा के प्रति बहुत बहुत प्यार चाहिए, तब ये जीवन ऐसा बन सकेगा। बाबा ने कहा लव क्यों नहीं है, बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे लव क्यों नहीं है, जितना प्यार होना चाहिए मेरे प्रति उतना प्यार क्यों नहीं है। तो बाबा कहते क्योंकि कट चढ़ी हुई है आत्मा में, इसलिए उतना प्यार नहीं है। तो याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं, है ना। उसके उस कट को निकालने के लिए भी बाबा ने रास्ता क्या बता दिया, बाबा कहते बच्चे याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं, इतने लवली नहीं बनते। अर्थात जिस आत्मा का जितना योग होगा, जितना योग, उतना जंक एक तो निकलता भी जाएगा, दूसरा बाबा कहते वो आत्मा उतनी लवली उतनी सुंदर भी बनती जाएगी।
बाबा कहते हैं, तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, तुम फूलों को तो बाबा कहते यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर बाबा कहते फूल बनते हो। लेकिन वहाँ फूल बनने के लिए बाबा कहते बच्चे तुमको यहीं पर ही पहले फूल बनना पड़ेगा, यहीं पर ही बनना पड़ेगा। हाँ, तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कांटे से फूल बन रहे हैं और फूल हमेशा सबको सुख देते हैं, कांटा हमेशा दुख देता है, तो बाबा कहते फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आँखों पर रखते, उनसे खुशबू लेते हैं, तो फूलों का इत्र बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रेग्रेंस डाल करके इत्र बनाया जाता है, गुलाब का जल बनाते, और बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, तो तुम बच्चों को इतनी खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा कह रहे हैं, बाबा तो वंडर खाते हैं, है ना, इतनी खुशी नहीं होती है उसको देख करके। बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा तो वंडर खाते हैं कि शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं, फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है, तो तुम्हारी बुद्धि में है कि अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, तमो प्रधान मनुष्य सतो प्रधान मनुष्य में, यह भी सिवाय बाप के और कोई भी समझा ना सके। बाबा कहते कि तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे, और पढ़ाई में बाबा कहते नशा रहता है ना, कल भी बाबा ने मुरली में क्या कहा, तो पढ़ाई के ऊपर भी नशा तो चढ़ाया। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे आपको दैवी गुण भी धारण करना पड़ेगा, और पढ़ाई में तो नशा रहता है। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, तुम्हारी पढ़ाई है फार फ्यूचर, सिर्फ अभी के लिए नहीं, वास्तव में हमारी पढ़ाई भविष्य के लिए है, हम भविष्य को और भी उज्जवल बनाने के लिए ये पढ़ाई को हम पढ़ रहे हैं। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है, जो भी पढ़ते हैं इस जन्म के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। और बाबा कहते तुम तो नेक्स्ट 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 जन्म के लिए, 21 जन्मों को भविष्य, 21 जन्मों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तुम बच्चे पढ़ रहे हो, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई है फार फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है, तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए, तो कर्म अकर्म और विकर्म की गति भी बाबा समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ बाबा कहते गीता वालों को थोड़ी आता है, उसका अर्थ भी बाबा कहते कर्म अकर्म विकर्म गीता में भी है, लेकिन अर्थ थोड़ी समझ में आता है। बाबा कहते अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं, तो 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, कैसे कर्म, जिसको विकर्म नाम दिया गया है। बाबा कहते इसलिए विकर्मों का बोझा वर्तमान समय पर सिर पर बहुत है, बाबा ने कहा सब पाप आत्माएं बन गए हैं, अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे, बाबा ने कहा 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा उठाते उठाते अभी तक पहुँचे हैं। तो बाबा कहते तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं, बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। बाबा कहते जो पहले पहले आएंगे, ड्रामा की पहचान क्या दिया है कि जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे। कौन 84 जन्म लें, शुरू की जो आत्माएं पहले पहले जन्म वाले, फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। तो अभी तुम वह राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्र लगाया है, ये सारी समझ
बाबा कहते मैं तुम्हें इस संगम युग पर देता हूँ सारी समझ, अच्छे ते अच्छे तो बुरे ते बुरे का भी। तो अब फिर पवित्र बनना है तो बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर यह पुराना शरीर बाबा कहते खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहा नहीं सुनी कि बाप भी है, टीचर भी है और कौन है, गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंचते ऊंचे, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों एक ही हैं। और अभी तुमको वह भासना आती है कि परमात्मा मेरा पिता भी है, मेरा शिक्षक भी है, तो मेरा सतगुरु भी है। तो वो भासना बाबा कहते, वो फीलिंग्स बाबा कहते अभी आती है। तो बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। बाबा कहते मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है, इसलिए मैगजीन्स को भी पढ़ना ज़रूरी है मुरली के साथ साथ। हाँ, हो सकता है रंगीन चित्रों की भी मैगज़ीन निकले, रंगीन चित्रों की भी मैगज़ीन निकले। अभी तो वैरायटी कलरफुल मैगज़ीन आती है, सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, चित्र तो बाबा कहते बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं चित्र। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो, शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बाबा कहते बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना, बाप का ऑक्यूपेशन बाप के द्वारा ही तो हम बच्चे जानेंगे ना। और तुम कुछ भी नहीं जानते थे बाबा कहते, इससे पहले हम आत्माएं कुछ भी नहीं जानते थे। तो छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते और उससे पहले उनको प्लेइंग स्कूल में डाला जाता है। 2-2.5 साल के बच्चों को आजकल है ना प्लेइंग स्कूल में, वो समय 2 घंटे का समय वो स्कूल में रह कर के आएंगे। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष के बाद वो पढ़ाई फिर धीरे धीरे शुरू होते हैं। आजकल तो धीरे धीरे है ना प्री नर्सरी, नर्सरी क्या सारा हो गया है। तो फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते ऊंच इम्तहान पास करने में। और तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो, बाबा कहते विश्व के मालिक, बनते क्या हो विश्व के मालिक। और तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, विश्व के तुम मालिक, बाबा कहते तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। गोल्डन स्पून इन माउथ, वहाँ का तो गायन ही है। तो अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना बाबा कहते कोई के पास, तो निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है, बाकी तो जो भी जाएंगे वह विकारी पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्व में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बाबा कहते हैं जो भी आत्माएं जाएगी लेकिन गर्व में वो आत्मा इतनी सजा नहीं भोगेंगे, बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे, सजाएं तो कट गई बाकी करके थोड़ी होंगे। इसलिए बाबा कहता कि इतना दुख भी उनको नहीं होगा। अभी वर्तमान के समय पर जो बाबा के बच्चे लंबे समय तक बाबा के बच्चे बनने के बाद बहुत अथक होकर के सेवा करने के बाद बाबा कहते वो बच्चे जो शरीर छोड़ते हैं है ना, वो भी जन्म लेंगे लेकिन बाबा कहते गर्भ में उनको इतनी सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका तो सारा सज़ा तो कट गई है, बाकी जो थोड़े हैं इतना दुख नहीं होगा। तो आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। आज एक विचित्र चीज़ बाबा ने कह दिया, बाबा क्या कहते आगे चल देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं, तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं,
60 वर्ष हुए बस खुद वानप्रस्थ में चले जाते और भक्ति में लग जाते हैं। बाबा कहते क्योंकि ज्ञान तो कोई दे ना सके और ज्ञान से सर्व की सदगति तो मैं करता हूँ, इसलिए तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए बाबा कहते जरूर नई दुनिया चाहिए। और तुम कितने खुश होते हो नई दुनिया में जाना है ये सोच करके। तो अब वेजिटेरियन के कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है, बाबा तो कहते रहते कि हिम्मत करो, दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बाबा कहते बहुत है, इसलिए बुलंद आवाज़ से, है ना, उतने निश्चय के साथ जो भी बोलो पूरे निश्चय के साथ बोलो, ताकि सामने वाला जब सुने तो उसके अंदर भी वो पहले निश्चय बैठ जाए। तो सत्ययुग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, वह डिपार्टमेंट अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है, तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बाबा कहते बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी बाबा कहते 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नामो निशान ही नहीं रहता, फुल आयु सुखी रहते हो। तो जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, उसके लिए बाबा ने शिक्षा दिया। फुल आयु तुम्हें सुखी रहना है, 21 पीढ़ी तुम्हें सुखी रहना है, 21 जन्मों का अगर वर्षा लेना है तो जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे बाबा कहते उतना ऊंच पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो कि नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। क्या कहा बाबा ने, तुम देखते हो कि नंबरवार माला कैसे बनती है, तो बाबा कहते पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट और वह भी वंडरफुल, स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशान तक, है ना, 100 मीटर हो, 200 हो, 400 हो, 800 हो, 1000 हो, तो बाबा कहते है ना स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। बाबा ने कहा कि तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है, याद की यात्रा से तुम दौड़ कर जाओ फिर तुम नंबर वन में आ जाएंगे, क्योंकि मुख्य बाबा ने कहा याद की यात्रा, और विघ्न भी किस में पड़ते, इस याद में ही विघ्न पड़ते। तो बच्चे कहते हैं कि बाबा हम भूल जाते हैं, बच्चे भी ये बात सुनकर के बाबा को क्या कहते कि बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते अरे बाप, इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा भल तूफान तो आएंगे लेकिन बाप हिम्मत तो दिलाएंगे ना, बच्चे थको नहीं, हारो नहीं, हिम्मत नहीं हारो, धैर्य रखो। तो साथ साथ कहते हैं कि ये युद्ध स्थल है, ये भी बाबा ने कह दिया कि बच्चे ये युद्ध स्थल है, हमेशा मेरी मुझ आत्मा की ही जीत होगी ये नहीं, युद्ध स्थल, कभी हार कभी जीत, लेकिन आखिरन किसे जीत मिलेगी, हम आत्माओं को ही जीत मिलेगी। तो युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखलाते हैं, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते माया से तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। इस समय बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है ना, बाप कहते हैं कि बच्चे का महाशत्रु है, उन पर जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे, तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, बाबा कहते चुप रहना है, क्योंकि भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, जोर जोर चिल्लाना, चीखना, भजन कीर्तन, अंदर राम राम जपते हैं, और उसको ही कहा जाता है न्योधा भक्ति। बाबा कहते तुम जानते हो कि बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं। क्या कहा बाबा ने कि तुम जानते हो कि बाबा हमको अपनी माला का बना रहे हैं, तुम रुद्र माला के मण के बनने वाले हो जिसको फिर पूछेंगे। बाबा ने क्या कहा कि तुम रुद्र माला के मण के बनने वाले हो जिसको फिर पूछेंगे, फिर हाथ में लेकर के उसको सुमिरण करेंगे।
तो रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। बाबा कहते विष्णु की माला को रुंड कहा जाता है और तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। कैसे बनेंगे? जब बाबा कहते दौड़ी में विन करेंगे, जब रेस में जीतोगे तो होगा। और बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है, क्योंकि बाप की याद से ही बाबा कहते विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आँख में मुक्तिधाम और एक आँख में जीवन मुक्ति धाम। तो इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि तुम्हारी आत्मा कहती है कि अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर, घर को याद करते करते जाएंगे। बाबा ने कहा कैसे जाएंगे कि घर को याद करते करते जाएंगे। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे, बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। और क्षीर सागर अभी तो नहीं है, तो जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर अर्थात यह दूध बहुत सस्ता था, एक पैसे का लोटा भरकर आता था। कितना सस्ता था पहले, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं तो पहले ज़माने का सस्ता ही कैसा था, पूरा अनाज सस्ता, सब कुछ सस्ता। हाँ, और बाबा आज क्या कहते, एक पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है नेपाल में, बहुत बड़ा, वहाँ तो बहुत सारे शिव के भगत भी हैं। अभी बाबा कहते बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है नेपाल में और सांवरा ही बनाया है। तो अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और स्वदर्शन चक्र फिराने से। तो बाबा कहते दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं, क्योंकि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते तो पढ़ते पढ़ते बाबा ने कहा कि तुम पुरुषोत्तम बन ही जाएंगे, अर्थात आत्मा का, पढ़ते पढ़ते तुम आत्माएं पुरुषोत्तम बनते जाएंगे, है ना, अति उत्तम बनते जाएंगे। और आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा, आत्मा के अंदर जो भी मैल, विकारों की मैल, वो छूटता जाएगा। तो बाबा इसलिए रोज़ रोज़ समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं कि बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते अरे खुले दिल से बोलो ना कि बाबा हम तो पास स्वीट ऑनर होकर दिखाएंगे, क्योंकि जितने नशे से बोलेंगे उस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ भी रहेगा। आप फिक्र मत करो, ऐसे बोलो बाबा को कि बाबा आप फिक्र मत करो, हम पास विथ ऑन दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी बाबा कहते अच्छा होगा। तो बाबा को कहना चाहिए कि बाबा आप बेफिक्र रहो, बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना, बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं। बाबा कहते सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते, अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं, कौन अच्छे फर्स्ट क्लास हैं। बाबा कहते सभी महारथियों की लाइन में, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते हैं। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। आज बाबा अपना नाम क्या दे रहे हैं, मैं सांवल शाह हूँ। हाँ, शाहों का शाह, सहनशाह हूँ बाबा कहते हैं ना। बाबा कहते दोनों बाप बछड़े वाल हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। तो कल्प पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको देवी राजस्थान कहा जाता था, अब तो आसुरी राजस्थान है। तो सारी विश्व देवी राजस्थान थी, इतने खंड थे ने। बाबा कहते यही दिल्ली यमुना का कंठा था, उनको परिस्थान कहा जाता है, वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं। अभी जैसे पांच तत्व भी उपद्रव मचाते, तो वहाँ सतयुग में पांच तत्व थोड़ी उपद्रव मचाएंगे। तो बाबा कहते
अभी तो कितनी उछलती है, डैम्स फट पड़ते हैं, प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। फिर तो मालिक बन जाएंगे, वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो बाबा कहते हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए, बाबा कहते। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, तुम सब महावीर हो, और महावीर बच्चे कभी भी हिल ना सके, हमेशा अचल अडोल अवस्था महावीर बच्चों की निशानी। तो महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़े ही सबके रखेंगे, बाबा कहते चित्र इतने थोड़ी सबके रखेंगे, मॉडल रूप में इसलिए बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, स्वर्ग को, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाबा कहते, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। इसलिए अवगुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीर ने की ताकत देखने में आए, नहीं तो टाइटल भी कैसे हम अपने ऊपर दे सकते कि मैं महावीर हूँ या मैं महावीर नहीं हूँ। तो वैसे तूफान आएगा, तूफानों से लड़ेंगे और जीतेंगे तब तो वो टाइटल मिलेगा। बाबा कहते हैं कि तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी ज्ञान का सागर तो एक बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, भागीरथ ये है। ऐसे तुम सभी भागीरथी हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते, इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया है। भक्ति मार्ग में जो जिसके भक्ति करते गए उनको उनका ही साक्षात्कार होता गया, लेकिन साक्षात्कार कराने वाले कौन थे, बाबा ही थे। और बाबा कहते इस कारण मनुष्यों ने सर्वव्यापी कह दिया, तो ये भी ड्रामा की भावी है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो, हर प्रकार की अंधश्रद्धा अंधविश्वास इन सबको बाबा वर्तमान खत्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कहते हैं कि आत्मा पर जो जंक चढ़ी है, जो कट चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है, और लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से आज बाबा ने कहा डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, और कभी भी हिलना नहीं है, माया के तूफानों से हिलना नहीं है। वरदान आज का, बाबा कह रहे हैं अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। क्या कहा बाबा ने और एक बार, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को, त्रिमूर्ति रचना को, अब त्रिमूर्ति रचना क्या चीज़ है, अब त्रिमूर्ति रचना अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर या और कुछ है कि क्या है, देखो त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचयिता भव। तो आज बाबा कहते त्रिमूर्ति शक्तियाँ, त्रिमूर्ति रचना अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियाँ, मन बुद्धि और संस्कार, यह आप मास्टर रचता की रचना है, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ, अधिकार जमाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता लेकिन कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, तो ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार, ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख,
त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। क्या कहा बाबा ने? तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख, त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। स्वराज्य अधिकारी, सो जो बाबा कहते विश्वराज्य अधिकारी वही बनेंगे। स्लोगन, अव्यक्त पालना का वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। बाबा ने क्या कहा? अव्यक्त पालना का वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। क्लियर, पूरा क्लियर, स्पष्टवादी बनो बाबा कहते हैं, है ना? जो कि बाबा कहते, बाबा के साथ पूरा नीट एंड क्लीन, क्लीन एंड क्लियर, पूरा स्पष्टवादी बनो। कोई छल, कोई कपट, अंदर बाहर एक समान, है ना? अव्यक्त पालना का वरदान लेने के लिए बाबा ने आज कहा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।